आज का हमारा निबंध है मेरा देश भारत। हमारा देश भारत है जहाँ लगभग 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व में चीन के बाद हमारे देश की जनसंख्या का दूसरा स्थान है। आज विश्व का हर 7वां व्यक्ति भारतीय है। भारत की सीमा 3 ओर से समुद्र से घिरी है, एक ओर हिमालय है तो एक ओर पाकिस्तान है। भारत एक महान विशद अद्भुत देश है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों का तो यही जन्म हुआ है। अनेकता में एकता भारत का विलक्षण उदाहरण है। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में आसाम तक भारत की सीमा है। उत्तर में पर्वतराज हिमालय शान से खड़ा है। इसकी चोटियाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। ये सदा हिम से अलंकृत रहती हैं। इसके नीचे विशाल सागर हैं। इसके अंदर महानदियों का विस्तृत जाल है। यहाँ सभी तरह की जलवायु पाई जाती है। भारत में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्यौहार एक साथ मनाते हैं। यहाँ सभी लोग चाहे किसी भी धर्म या प्रदेश या जाति के हों, वे मिलकर रहते हैं। भारत का इतिहास भी बड़ा प्राचीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता और रामायण काल से लेकर अब तक हजारों वर्षों का इसका इतिहास है। प्राचीन काल में यह सोने की चिड़िया कहलाता था। आज यह प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत में अनेक महान विभूतियों का जन्म हुआ है। प्राचीन समय में गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, महावीर हुए तो वर्तमान में महात्मा गांधी। इन्होंने देश की जनता का आदर सम्मान किया और सदैव विकास की राह पर चलने का उपदेश दिया। भारत आज महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। हमें अपने देश और उसकी सभ्यता पर गर्व है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस निबंध को नोट डाउन करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।